डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा बीती रात सांगानेर एसीपी रामनिवास विश्नोई व रामनगरिया थाना सीआईई राजेश शर्मा को सस्पेंड कर दिया। दोनों की पुलिस अधिकारियों के खिलाफ रामनगरिया थाना इलाके में एक जमीन पर कब्जे करने का प्रयास करने के आरोप हैं। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रामनगरिया निवासी द्वारका करोल और उसका भाई कई वर्ष पूर्व लिए जेडीए पट्टे के प्लाट पर निर्माण कार्य करवा रहे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के द्वारा वहां पर जेसीबी से निर्माण कार्य तोड़ दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पीड़िता ने इस संबंध में 100 नंबर पर फोन कर खुद के साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके बाद रामनगरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर गई। पीड़ित द्वारका करोल की ओर से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दी गई, लेकिन थाना पुलिस के द्वारा उसे दर्ज नहीं किया गया। वहीं रामनगरिया थाना सीआई राजेश शर्मा ने भवन निर्माण सहकार समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता की तरफ से शिकायत लेकर मामला दर्ज कर पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। थाने में न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित द्वारका करोल एसबी सांगा ने रामनिवास विश्नोई से मिले, लेकिन रामनिवास विश्नोई ने भी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद पीड़ित 3 बार एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा से मिला, वहां से भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो पीड़ित एसओजी के एडीजी अशोक राठौर से मिला। उन्होंने पीड़ित की पूरी बात सुनी और उसे डीजीपी उमेश मिश्रा से मिलने के लिए कहा। 2 दिन पहले पीड़ित द्वारका करोल डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा से मिला। डीजीपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस से जांच कराई।